तो चलो ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं। कल जो क्वेश्चन दिए थे, एक होमवर्क याद है सब लोगों को? कल सब लोग क्लास किए थे? ये 25 नंबर जो क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है वो तुम लोग कल लिखे थे और बताए थे कि दो तरीके से बना सकते हो। दो तरीके से बन गया क्या? सब बना लिए हो? जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी बनाए होंगे। और कुछ अभी तनु कह रही है कि वो नहीं बनाई है। तनु नहीं बनाई हो ना? तनु नहीं बनाई हो? ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं। अच्छा एक बात देखो, सब लोग देखो जरा इसको। क्वेश्चन 25 अगर तुम लोग बना लिए हो तो क्या क्वेश्चन नंबर 26 जो हम बोर्ड पे लिखे वो बन जाएगा क्या? तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो जरा वीडियो को पॉज करके, अगर वो कल बनाए थे 25 को और कल वीडियो देखे थे वो बनाए थे अगर इसको, तो जरा वीडियो को पॉज करके 26 को क्वेश्चन 26 को बनाओ। हम तब तक 25 को बना दे रहे हैं, ठीक है क्या? 25 यहाँ जो बैठे हैं जो लोग, वो लोग भी क्वेश्चन 26 कीजिए आप लोग। हम 25 बना दे रहे हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों से नहीं बना है, या जैसे तरुण से नहीं बना था ये क्वेश्चन, नहीं बनाई है वो देखेगी। और बाकी जो लोग बना चुके हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 26 करें, मेरे को 25 बनाने दें उन बच्चों के लिए जो 25 नंबर सवाल नहीं बनाए हैं कल। 26 बना जाए वो बैठे चुपचाप फिर, ठीक। ये देखोगे रवि, ध्यान रखना यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। देख लो क्वेश्चन सही है ना? 1 + sin θ, 1 - sin θ, 1 - sin θ, 1 + sin θ। तो यहाँ पे एक तरीका हम क्या बताए थे कि स्क्वायर रूट ऊपर और नीचे दोनों हो जाएगा क्या? Yes, ये कहे थे ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा? 1 + sin θ, नीचे अंडर रूट 1 - sin θ, प्लस ऊपर में अंडर रूट 1 - sin θ, नीचे में अंडर रूट 1 + sin θ। तनु समझ रही है क्या? तनिष्का, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 - sin θ इंटू 1 + इससे पूरे में डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इसका, इससे इंटू होगा तो अंडर रूट 1 + sin θ होल स्क्वायर। इससे पूरे में डिवाइड करेंगे, ये इसको कैंसिल करेगा, ये बचेगा, इससे ऊपर वाले को इंटू करोगे, अंडर रूट 1 - sin θ होल स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? दैट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ बच्चा? 1 + sin θ प्लस ये, फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? 1 - sin θ होल डिवाइड बाई, अच्छा ये रूट समथिंग इंटू रूट समथिंग, यानी कि ये तो तुम जानते ही हो ना कि रूट ए इंटू रूट बी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू बी, कर सकते हैं क्या हम लोग? तो ठीक उसी तर्ज पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 - sin θ इंटू 1 + sin θ, किए होंगे घर पे? इसके बाद ये -sin θ + sin θ तनु हो गया कैंसिल, 1 + 1 तनिष्का 2 हो गया, डिवाइड बाई शाश्वत मनोज, अंडर रूट a - b इंटू a + b, ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 रहेगा, -sin²θ। अब चूंकि अगर तुम मेरा रोज का क्लास किए हो, कर रहे हो, तो पता है तुमको कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है 1 - sin²θ, यह बन जाएगा cos²θ और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2 by cos θ, और 2 तो 2 रहा, 1 by cos θ क्या बन जाता है? sec θ, लाना क्या था? 2 आ चुका वो, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। समझ गए क्या तनु? समझ गए क्या तनिष्का? समझ गए क्या सभी लोग जो देख रहे हैं? अगर हम पहले कहते हैं कि जो लोग देख रहे हैं वो जो बना चुके हैं कल 25 वो 26 बनाएंगे, और जो नहीं बनाए हैं वो 25 को यहाँ देख लिए, समझ में आ गया होगा 25 को एक और मेथड से हम बना दे रहे हैं, और उसके बाद हम लोग 26 कर लेंगे, या तुम लोग घर पे बैठ के कर लोगे। अल्टरनेटिव मेथड, किसी का अल्टरनेटिव मेथड जो है 25 का वो ऐसे था, लेफ्ट हैंड साइड वही उतारते जो क्वेश्चन था, कॉपी करते बच्चा, 1 + sin θ डिवाइड बाई 1 - sin θ प्लस स्क्वायर रूट 1 - sin θ डिवाइड बाई 1 + sin θ इज इक्वल टू, चूँकि तुम ना लास्ट क्लास में किए हो, पता है इसको अंदर में हम
इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नीचे माइनस है, कल का क्लास किया होगा तब, तो ऊपर नीचे वन प्लस है साइन थीटा। फिर यहाँ देखोगे वन प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस, देखते रहना ऊपर नीचे, यहाँ प्लस है उसका उल्टा, वन माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके रूट को ख़त्म कर लेंगे। ऊपर में हो गया वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, देखना ध्यान से अब, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो याद ही होगा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइड बाई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद ही होगा क्या होता है, अब तो काफ़ी आगे बढ़ गए, तो ये सब याद हो चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी, और स्क्वायर पूरे ऊपर में है ही पूरे में, तो सब खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा, वन प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई और प्लस वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। बच्चे सारे तुम लोग समझ रहे हो क्या, अब तो यहाँ पे नीचे में स्पेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको अब ले जाए, कहाँ ले जाते हैं, अब ऊपर ले जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे ले जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि नीचे में तो ये मेथड से बना हुआ है ना, तो यहाँ देखो यहाँ से ऊपर चले गए, कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा फिर, वन प्लस साइन थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा कैंसिल, दैट इज इक्वल टू टू बाई कॉस थीटा, वन प्लस वन सिंपल, तो वही बात होगा ना, वन बाई कॉस को लिखोगे sec, फिर साइन बाई कॉस को लिखोगे tan, फिर वन बाई कॉस को लिखोगे sec, वन प्लस कॉस को sec, हाँ हाँ बात वही हुआ, तुम वन प्लस वन जोड़ के लिखो टू, या वन बाई कॉस प्लस वन बाई कॉस करो, है ना, ज़्यादा सुंदर ही होगा क्योंकि तुम जोड़ लिए फट से, एक ही बात है ना, ये भी समझ गया ना कि वन प्लस वन क्या टू, तो टू बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टू सेक थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यहाँ देखना, यहाँ से लो देखना ध्यान से, गलती मत करना, ये जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव मेथड है, ऑल्टरनेटिव मेथड, इसमें क्या किए हैं, यहाँ से बना के यहाँ लगे हैं, यहाँ के बाद इसके ऊपर फिर यहाँ चले गए, ठीक है ना, और ये एक मेथड, यानी कि क्वेश्चन 25 हम दो मेथड से बना के दे दिए। तुम लोग का काम क्या है कि इसको कॉपी कर लो, और अगर कोई बच्चा ये 25 नंबर नहीं बनाया था घर पे, तो ये 25 क्वेश्चन को तुम कॉपी करो, हम तुमको वीडियो पॉज करने के लिए कहेंगे अभी, उसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन 26 भी तुम दो मेथड से बनाओ, सेम टू सेम बनेगा, सेम टू सेम जैसे यहाँ पे किए हैं। एक बार तो तुम sec थीटा माइनस वन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसमें, और इसमें यहाँ निगेटिव है ना, तो ऊपर नीचे sec थीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई करके इसका रूट को हटा के सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो ये किए हैं सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या है कि जैसे किए हैं स्क्वायर रूट ऊपर नीचे अलग अलग करके और एलसीएम लेके बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, 25 को कॉपी करो, और 26 को बनाने के बाद वापस वीडियो को आगे बढ़ाना, पॉज। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 तुम लोग बना लिए होगे, यहाँ पे कुछ बच्चे बनाए हैं, और जो लोग वीडियो पॉज करके देख रहे थे, अब जरा ये हम 26 बना दिए हैं और 26 क्वेश्चन बनाए हैं, एक बार अपना कॉपी मैच कर लो, तुम सब यहाँ जो बैठे हो वो लोग भी, और हम इसको समझा भी देते हैं, मैच करना है तो वीडियो को पॉज करके मेरा बनाया हुआ जो सॉल्यूशन है मैच कर लो, और अब सुनो इसको, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, हम ये क्वेश्चन को कॉपी किए, एक लाइन तो सब समझ गया क्या, फिर जैसा हम बताए थे 25 में ठीक वैसे ही प्रोसीड किए हैं, स्क्वायर रूट ऊपर भी है और नीचे भी है, अलग अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए, इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगा, प्रोडक्ट ले लिए, इससे पूरे को डिवाइड किए तो ये वाला बच गया, ये ऊपर में इंटू हुआ तो स्क्वायर हो गया, समझ में आ रहा है, प्लस तो प्लस, इससे पूरे में डिवाइड किए तो ये कैंसिल होगा ना, क्या बचेगा, ये बचेगा, ये ऊपर से इंटू होगा तो सेम टू सेम स्क्वायर हो गया अभी,
अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो sec थीटा माइनस वन, प्लस है तो प्लस, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, sec थीटा प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, sec प्लस sec ऊपर में टू sec थीटा, नीचे में रूट ए इंटू रूट बी, तो रूट ए इंटू बी जो इसके पहले बताए थे भैया, रूट ए इंटू रूट बी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू, उसी से ये नीचे वाला आपस में इंटू हुआ। अब a इंटू बी, और यहाँ पे कैसा है भाई, तो ये लिखा हुआ है sec थीटा प्लस वन और ये लिखा है sec थीटा माइनस वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर यानी कि वन, ऊपर में sec प्लस sec टू sec थीटा, टू sec थीटा यहाँ उतार दिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब तो याद हो गया होगा, अब तो ख़त्म होने की वजह जा रहा है ये आइडेंटिटी, ये याद है तुम लोग को, तो sec स्क्वायर इससे अगर तुम ना प्लस वन को लेफ्ट में लाओगे माइनस वन, ये निगेटिव राइट में गया तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट रवि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, नीचे में क्या बचेगा सिर्फ अंकिता टेन, ऊपर में क्या हुआ टू sec थीटा। अब देखना यहाँ पे टू sec वन बाई टेन क्या होता है cot थीटा, टू sec इंटू cot, टू तो टू रहा, sec वन बाई cos बना, और cot क्या होता है cos थीटा बाई sin थीटा, cos cos कैंसिल, टू बाई sin थीटा, वन बाई sin क्या होता है cos sec, टू cos sec थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। समझ में आया सब लोगों क्या, हाँ बोलो क्या, यहाँ पे यस टू sec तो टू sec है और बटा में टेन है ना, तो वन बाई टेन क्या होता है तो वही cot चला गया, ऐसे समझ में आदित्य। एक चीज़ और सीखो यहाँ पे, कोई चाहता इसको ये जो ऐसे गया है ना, नहीं तो सुनो तो पहले, ये तो रूल थोड़ी ना है कि यही करना ही है। अब देखो इसको फिर से कर रहे हैं, टू को टू लिखें, sec को लिख दिए इंटू वन बाई cos थीटा, डिवाइड बाई टेन को लिखते हैं sin थीटा बाई, ये भी तो कर सकते हैं ना हम, टू वन जा टू डिवाइड बाई cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा बटा, या तो cos को यहीं पे काट दो है ना, या फिर और चुन्हा चुन्हा के लिखना है तो टू cos थीटा इंटू ये क्या हो गया cos थीटा बाई sin थीटा, ये कैंसिल टू बाई sin थीटा मतलब कि टू cos एक थीटा, यह भी कर सकते हो ठीक है, कोई भी एक वे, कोई एक वे कर सकते हो, समझ तो रहे हो ना। अब सब पुराने हो गए इसको, अभी इतना दिन से आइडेंटिटी हो गया, इतना लेक्चर डला हुआ है, अगर सब वीडियो देख रहे हो अब सीख गए इसको आइडेंटिटी को लगभग लगभग। ये एक तरीका हुआ जो हम 25 को फर्स्ट मेथड से बनाए थे, एक मेथड हुआ 25 को एक और मेथड से बनाए थे जो यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रहा है, अब इरेज करेंगे इसको हम। इस मेथड से भी आप क्वेश्चन नंबर 26 को बना सकते हैं, क्या करना होगा रूट के अंदर ही sec माइनस वन से इंटू करके स्क्वायर रूट को हटा देना होगा, समझ रहे हो क्या, ये क्या है ये मिटाना नहीं था क्या, ये क्या लिखे हैं टू, हाँ मिट गया, फिर सही करते हैं, टू बाई cos थीटा इंटू cos थीटा बाई, और ये कैंसिल किए हैं टू बाई sin cos sec, ठीक है ये एक मेथड हुआ शाश्वत। अब इसको हम फिर से अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मेथड से बना सकते हैं, अंकिता बना सकते हो ना इसको, अंकिता ये देखो क्या करोगी, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगी, कॉपी करोगे क्वेश्चन sec थीटा माइनस वन डिवाइड बाई sec थीटा प्लस वन, प्लस अंडर रूट sec थीटा प्लस वन डिवाइड बाई sec थीटा माइनस वन, क्वेश्चन लिख लिए हम लोग। यह जो तरीका है, यह जो मेथड है, सभी लोग को समझ में आ गया ये, हेलो तुम समझे क्या, इसको घर पे नहीं करोगे प्रैक्टिस, घर पे नहीं करोगे प्रैक्टिस तो फिर हम कहे थे तनु तुम लोगों से कि ये जो चैप्टर है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम जब ट्रिगोनोमेट्री शुरू किए थे तो क्या बात कहे थे, हम लोग बहुत आसान से शुरू किए थे ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट जो वीडियो है, बहुत ही आसान से बनाए थे और समझाए थे तुम लोग को, जुम्मे पे थे सब लोग, उसमें क्लास में कोई आ भी नहीं रहा था, तो हम शुरू किए थे कहाँ से, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बात हुआ था ना, और वहाँ से बताए कि वहाँ से बताए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वह तीन वर्ड से मिल के बना है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, मतलब हम वहाँ से तुम लोग को लेकर चल रहे हैं जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का टी नहीं मालूम, वहाँ से अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री का टी नहीं मालूम तब भी तुम वहाँ से स्टार्टिंग से मेरी बात को, मेरा कॉपी मेरे नोट्स को पढ़ोगे समझ में आएगा,
जो लोग वीडियो पर देख रहे हैं फर्स्ट वीडियो से देख लेंगे तो वो समझ में आएगा। तुम लोग ध्यान दिए हो क्या कि फर्स्ट जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का वो 2020 में ही बना था, अभी 2021 चल रहा है, 2020 के कोरोना टाइम में बना था वो वीडियो, क्योंकि तुम लोग जब कोचिंग आ नहीं पा रहे थे तो हम सोचे कि क्या करें फिर बच्चों को कैसे मिले। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त ना तो कोई गैजेट था ना कोई माइक था, है ना, जो व्यवस्था था पॉकेट में जो मोबाइल था उसी को लगा के और क्या किए थे, रिकॉर्ड करके दिए थे। इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर ख़राब, फोर्थ फाइफ्थ लेक्चर आते आते कुछ रूम में कुछ लाइटिंग बढ़ा दिए थे तो फिर कुछ ठीक हो गया था, लेकिन माइक खरीदने के लिए उपाय नहीं था क्योंकि लॉकडाउन था 2020 में, अचानक से हुआ था 24 अप्रैल को शायद हुआ था, सॉरी 24 मार्च को हुआ था, 24 मार्च 2020 को हुआ था लॉकडाउन अचानक से। तो बस जो साधन था वो पढ़ाए थे, फिर जब कोचिंग शुरू हो गया तो क्या किए, छोड़ दिए बनाना वीडियो। लेकिन अभी एक अभी फिर से 6-7 दिन से लगता है वीडियो लगातार डाल रहे हैं, अभी वीडियो पहले से सही हो गया तुम्हारा, देखे हो ना, ध्यान देखिए वो, हाँ। तो अभी और ये अब पूरा वीडियो जो है लगातार अपलोड करेंगे ताकि जो बच्चे YouTube पे देखेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा, जिनका क्लास छूट जाएगा वो दोबारा वीडियो देख के समझ सकते हैं, कई फ़ायदा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कई फ़ायदा हो जाएगा, जो जिनका छूट जाएगा क्लास वो दोबारा देख सकते हैं, जैसे प्रीति का छूट गया है देख लगी काम तो हो जाएगा, ठीक है काम चल जाएगा। यहाँ देखिएगा ये दैट इज इक्वल टू अंडर रूट सेक थीटा माइनस वन को हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस वन डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस वन इंटू प्लस वन है ना, तो सेक थीटा माइनस वन, वेरी गुड, तुम सब सीख रहे हो, हाँ प्लस, सोचो जी तुम लोग जो भी वीडियो पे देख रहे हो वो भी सोचो जरा, वहीं पे बोल सकते हो बैठे बैठे घर में, सेक थीटा प्लस वन डिवाइड बाई सेक थीटा, वेरी गुड। इसके बाद बाबू तुम जानते हो यहाँ पे क्या है, सेक थीटा माइनस वन, यहाँ पे क्या है, दोनों सेम टू सेम है तो सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो तुमको समझ में ना आए, जो तुमको ना हो पसंद वो बात ना करेंगे। यहाँ पे सेक थीटा प्लस वन, सेक थीटा प्लस वन क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस वन का डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है ना, बातें तो समझ में आ रही है क्या, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब देखो तो अब हो ही तो गया, फिर से जगह नीचे कम बचेगा, हो ही तो गया, सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर को एक बार और एक लाइन ढहने देते हैं हम, सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, एक काम करते हैं ये तुम ना 26 वाला स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लिए होगे सब लोग, तुम लोग उतार लिए हो, नीचे हम इरेज करेंगे, जगह नहीं है मेरे पास। तो अब देखोगे यहाँ पे सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर को अभी उतार दो, सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऑनलाइन में अभी बोला जाके, हाँ अभी तनु तुम कुछ नहीं बोल रही हो, आई डोंट लाइक दिस, सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर अंकिता स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर बचेगा सेक थीटा माइनस वन डिवाइड बाई नीचे बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन डिवाइड बाई इज इक्वल टू एलसीएम लोगे टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा प्लस वन, वन वन कैंसिल, दैट इज इक्वल टू टू सेक थीटा डिवाइड बाई, वही आया क्या, सेक थीटा को क्या बोल सकते हो, सेक थीटा को छोड़ दो और वन बाई टेन को काउट कर दो, क्या टू इंटू सेक को वन बाई कॉस थीटा और कॉट को कॉस थीटा बटा कॉस कॉस कट गया, टू बाई साइन टू कॉसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बच्चा समझ गया क्या, यानी कि जैसे 25 को हम दो मेथड से बनाए, 26 को भी हम दो मेथड से बना दिए, उम्मीद है कि सब कुछ समझ रहे थे। रवि चिंता क्यों कर रहे हो, सेक को तुम वन बाई कॉस लिखो, टेन को तुम साइन बाई कॉस लिखो, कॉस कॉस कैंसिल, टू कॉसेक वो भी हो जाएगा, ठीक ये भी समझ लो, टू सेक को टू सेक लिखे हैं, अब वन बाई टेन को क्या बोलोगे, कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी लिख दिए हैं,
वन बाई टेन को क्या बोलते हो? तो कोई परेशानी है लिखने में? नहीं। सेक को क्या बोलोगे? वन बाई कॉस। और कॉट को क्या बोलते हो जी? कॉस बाई साइन। कॉस कॉस कैंसिल, टू बाई साइन बचा ना, टू इंटू वन ऊपर में टू, नीचे में साइन थीटा, टू बाई साइन थीटा क्या होता है? टू बाई साइन थीटा होता है टू इंटू कॉसेक थीटा, क्योंकि वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? कॉसेक थीटा। रवि तुम समझा दोनों बात? जैसे इच्छा करे वैसे करो। क्वेश्चन नंबर 26 भी तुम लोग दो तरीका सीख गए हो। वीडियो को पॉज करो भाई, और पॉज करके और वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करो। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर देते हैं। पॉज। तो अभी देखो तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 जो दिए हैं बोर्ड पे, ये कैसे बनाओगे? बना सकते हो क्या? अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करो? एलसीएम ले लो। कॉसेक थीटा माइनस वन इंटू कॉसेक थीटा प्लस वन। कॉसेक से पूरे भाग दिए, क्या बचा? कॉसेक थीटा प्लस वन बचा। इसको ऊपर में ले जाओ, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस प्लस, और इससे भाग दिए पूरे में, ये बच गया। इसको ऊपर से इंटू करोगे, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस वन, दैट इज इक्वल टू कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक इंटू वन, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा होल डिवाइड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना? वेरी गुड। कुछ कुछ कटेगा क्या? कॉसेक 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 स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर टू कॉसेक स्क्वायर। यह तो तुम लोग समझ ही गए ना बाबू कि प्लस कॉसेक और माइनस कॉसेक कैंसिल होगा। वेरी गुड। कॉसेक स्क्वायर माइनस वन, ध्यान दो बा, यह तो है तुम लोग कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो कॉसेक यह प्लस वन लेफ्ट में गया, तो बना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया आपको? कॉट स्क्वायर थीटा टू इंटू, अभी इसको ऐसे कर सकते हो, यह कॉसेक स्क्वायर है रवि के लिए, वन बाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना? ये कैंसिल, टू वन जाए टू ऊपर में टू नीचे में, और वन बाई कॉस होता है सेक, तो वन बाई कॉस स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर, तो ये हो गया टू इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, ठीक है। तो चले जरा इसको कॉपी करो तुम लोग, तुम लोग पॉज करके कॉपी कर लो। हाँ ठीक है, कॉपी करो इसको। क्वेश्चन जितना करना था आज किए हम लोग। अभी दो क्वेश्चन बोर्ड पे तुम लोग देख रहे हो, यह दो क्वेश्चन ये तुम लोग का होमवर्क है। घर पे बैठ के जितना भी वीडियो देखे होगे और जो पढ़ाया तुम लोग को वो सब समझ में आ गया है। घर पे बैठ के ये दो क्वेश्चन करना, प्रयास करना इसको बनाने का। अगर तुमको बुक का हेल्प चाहिए, बुक का हेल्प ले करना बनाना, और अगर किसी से नहीं बने तो वो वीडियो में कमेंट अपलोड करेंगे, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आप लोग इसको घर पे बैठ के बनाइएगा। अगले क्लास में यानी कि मंडे को अब हम इस पे बात करेंगे क्वेश्चन पे। फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद। पैकअप सर।